कुछ देर में वोटिंग परसेंटेज भी सामने आ जाएगा, जिससे तस्वीर और साफ होगी। 7 जिलों की 24 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और इन 24 सीटों पर जो वोट डाले जा रहे हैं इसमें उम्मीदवारों की किस्मत का आज जो फैसला है वो बंद हो जाएगा और 24 सीटों पर मतदान जारी है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुलगांव अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुल 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कुलगांव में पुलवामा, साथ ही बनिहाल, श्री गुफवाड़ा, बिजबेहरा कश्मीर की तस्वीर है, डोरू की भी है, पहलगांव में, किश्तवाड़ में, जहां पर अलग अलग जगह पर जो वोटिंग की जा रही है। आप देखिए जो महिला हैं, पुरुष मतदाता हैं, सभी पहुंचे हुए हैं वोट डालने के लिए और कई जगहों पर तो अच्छा खासा वोट मत भी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। और ये बाकी 10 तस्वीरें आपके सामने हैं, शोपिया, डीएसपुरा, कुलगांव की, देवसर, डोरू, अनंतनाग, अनंतनाग पश्चिम, साथ ही पहलगांव, किश्तवाड़, अनंतनाग पूर्व। और ये तमाम तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि धारा 370 हटने के बाद ये चुनाव हो रहा है और इन चुनावों की किस तरीके से तैयारी की गई है ये भी आपको दिखाया गया और इस वक्त किस तरीके का उत्साह वोटर्स में है वो भी आप देखिए। तमाम हालांकि अपने कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर ये वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों की खास तस्वीरें आपके सामने। 35 कॉन्स्टिट्यूएंसी और अब ये पोलिंग बूथ है और अब देख सकते हैं पहले पोलिंग बूथ पे जो सिक्योरिटी का है वो तो टाइट है ही, लेकिन सुबह 7 बजे से हालांकि बाकी जगहों पे अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे ज़्यादा वोटर नहीं आए हैं। कुछ वोटर यहाँ पे आए हैं जिन्होंने वोट डाला है और आप देख सकते हैं इनकी ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बानिहाल कॉन्स्टिट्यूएंसी में और जो पोलिंग बूथ यहाँ पे है हाई सेकेंडरी स्कूल में, यहाँ पे वोट डालने के लिए। एक दहाई के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं जिला शुपियान के पादपावन इलाके में ग्रीन पोलिंग स्टेशन अमल में लाया गया है और यहाँ पे देखिए आप नौजवानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। कहीं ना कहीं अब की बार है लोग बदलाव को लेकर वोट डालना चाहते हैं तो पहली बार इस तरह की दृश्य देखने को मिल रहे हैं। चूँकि अगर हम शुपियान की बात करेंगे मिलिटेंसी के लिहाज से सबसे हसास तरीन इलाका सिक्योरिटी के लिहाज से माना जाता था, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ सुबह से ही लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। जैसे ही अब जो है धूप भी खिल चुका है और लोग घरों से बाहर आ रहे हैं और कितनी संख्या में लोग अब घरों से निकल के आएंगे और कितने फीसद अब की बार वोट पड़ेंगे ये फिलहाल शाम तक बताना मुश्किल है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।